गुरुवार को पेट्रोल के दाम में 2 से 6 पैसे प्रति लीटर की कमी आई, डीजल 3 से 7 पैसे प्रति लीटर सस्ता। इस साल के आखिर में लॉन्च होगी व्हाट्सएप की पेमेंट सेवा, व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड ने दावा किया। वित्त सचिव रहे एससी गर्ग ने तबादले के बाद वीआरएस के लिए किया आवेदन, बुधवार को ऊर्जा सचिव बनाए गए थे। 9,000 करोड़ के कर्ज से तले दबी अनिल अंबानी की एक और कंपनी होगी कंगाल, रिलायंस नेवल पर बैंकरप्सी की लटकी तलवार। सुपर बाइक से टकराएगा होंडा का 7 लाख का स्कूटर, भारत में जल्द होगा लॉन्च फोर्जा 300 स्कूटर। महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में भेजने से पहले लेनी होगी उनकी अनुमति, सुबह 6 से पहले और शाम 7 के बाद बगैर मंजूरी नहीं लगा सकते शिफ्ट। इनोवेशन के मामले में भारत ने 5 पायदान की लगाई छलांग, पिछले साल 57वें स्थान से इस साल 52वें स्थान पर। टैक्स कलेक्शन बढ़ने के लिए आयकर विभाग करेगा डेटा की पड़ताल, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने दी जानकारी। बुधवार को एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में 180 फ्लाइट्स कैंसिल, ईंधन न भर पाने से थम गई उड़ानें। फेसबुक $5 अरब बतौर पेनल्टी चुकाने को तैयार, निजता का उल्लंघन करने का लगा जुर्माना।